तीन काव्य नंबर 41 41 हमारे पीछे बोलेंगे सभी रक्ते क्षणम रक्ते क्षणम समदो कोकिलो कंठनीलम कंठनीलम रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठनीलम बिल्कुल ऐसा खड़ा हो आपके सामने हो
ऐसा राग जो आपके लिए अननोन हो, किसी व्यक्ति या सफेरे के पास नहीं हो। नहीं, वो नहीं, सफेरे के पास हो ऐसा नहीं, बिल्कुल अननोन प्लेस में लेगा हो, ऐसा खड़ा हो आप बिल्कुल सामने हो, है किसी में इतनी हिम्मत खड़े होने की? नहीं है। कई लोग तो पिक्चर देखने में भी डर जाते हैं, ऐसे नाग की वीडियो या पिक्चर देख करके भी डर जाते हैं, है ना? देखिए, और इसमें कैसा नाम बता रहे, देखो तो जरा, रक्त क्षणम, संधि हुई है रक्त प्लस इक्षणम, ईक्षणम, रक्त प्लस ईक्षणम, ईक्षण याने आंखें, रक्त याने लाल, जिसकी लाल लाल आंखें हैं, है ना? समद कोकिल कंठ नीलम, इस पद से उस नाग का कलर बताया। समद कोकिल, समद का मतलब कहते हैं कि उन्मत्त कोयल, कोकिल यानी कोयल, कोकिल, कोकिल ये दो होते हैं ना, उसमें नर मादा, कोयल का मादा, कोयल का नर, मेल फीमेल दोनों होते ना, है? कोयला, कोयल का नर कोयला है, कोयला नहीं है, उसको कोकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकिल याने नर, कोयल याने मादा, बराबर। कोकिल कोयल या कोकिल की बात है, जो उन्मत्त कोकिल होता है, उस कोकिल का कंठ जो होता है वो बिल्कुल नीला यानी काला होता है, डार्क नीला काला होता है, है ना? कंठ नीलम, लाल उन्मत्त कोयल की ग्रीवा के समान काले, ग्रीवा यानी मान या ये गला एकदम काला होता है। तो यहां कहने का भाव आते है कि वो नाग अत्यंत काला है, थोड़ा फेंट कलर का हो ना तो डर कब लगता है पता है? एकदम फेंट हो, ग्रे हो, व्हाइट हो, ऐसे नाग, ऐसा मन को लगता है कि शायद ये काटता, बिल्कुल काला हो तो एकदम ब्लैक कलर का है, हैं? कंठ नीलम। और कह रहे क्रोधोद्धतम, यहां भी संधि है, क्रोध प्लस उद्धतम, जो क्रोध से अत्यंत उश्रृंखल हो गया है, क्रोधोद्धतम, अत्यधिक क्रोध में है, गुस्से में है, कौन? वो ब्लैक वाला, कौन सा वाला? वो बिल्कुल ब्लैक, ब्लैकिश नाग, कैसा है? जिसकी आंखें लाल लाल है और अत्यंत क्रोध में है। और आगे कहते हैं फणिनम उत्फणम आपतन्तम, तीन शब्द एक हुए हैं, फणिनम उत्फणम आपतन्तम, कौन से तीन शब्द है? फणिनम उत्फणम आपतन्तम, फणिनम यानि सर्प को, नाग को, फण तो नाग की होती है, तो नाग को कैसा है? और एक विशेषण, उत्फणम, जिसने अपनी फणा उठा ली है, सोया हुआ नहीं है नाग, कैसा है? बिल्कुल खड़ा है, आंखें लाल है, क्रोध में है, एकदम काला है। और एक हमारी तरफ से विशेषण जोड़ दो, जिसकी जीभ लपलपा रही है, इसमें नहीं है, जो जीभ बाहर निकाल रहा है, लपलपा रहा है, हाँ जीभ होती है उसको, होती है, जिसकी जीभ लपलपा रही है, ऐसा नाग, फणिनम ऐसे नाग को, आपतन्तम आपकी तरफ आ रहा है, बिल्कुल आपके नजदीक ही है कि नहीं? तो आचार्य कहते हैं, अब आगे शब्दों का अर्थ लिख लो, आक्रामति लांग जाता है, आक्रामति शब्द का अर्थ लांग जाना,
कल बताया था क्रम याने देखो मत, क्रम याने पैर, कल बताया था ना क्रम याने पैर, कल बताया था ना, आज थोड़ी बताया। युगे ने याने दोनों पैर, दोनों पैरों से तृतीय विभक्ति है क्रम युगे न, दोनों पैरों से निरस्त शंकस, मन की समस्त शंकाओं को खत्म करके, निरस्त याने नष्ट करके, निरस्त याने नष्ट कर दी है शंकस सारी शंकाओं को, जिसने मन की सारी शंकाओं को दूर करके त्वन्नाम नागदमनी, निरस्त शंकस ये नाउन है इस काव्य का, नाउन याने वह व्यक्ति जिसने सारी शंकाओं को मन से हटा लिया है, ऐसा वह पुरुष त्वन्नाम नागदमनी, त्वन्नाम आपके नाम रूपी नागदमनी क्या शब्द है, त्वन्नाम नागदमनी, नागदमनी नाम की एक जड़ी बूटी होती है, उसे गांवों में नागदोना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पेड़ है जो पर्वत के ऊपर, पर्वत के ऊपर होता है, और कैसा होता है वो कहते हैं कि एकदम पहाड़ी वृक्ष जैसा है, पहाड़ पे ही उगता है, और उसकी लकड़ी जो होती है पेड़ की, उसके बीच में ये नागदमनी होती है, जड़ी बूटी पेड़ के तने के बीच में आती है, आयुर्वेद वाले उसको निकाल निकाल करके लाते हैं। पहाड़ी वृक्ष है, पहाड़ी वृक्ष है, पहाड़ियों में ऐसे वृक्ष बड़े होते हैं, और उसके लकड़ी के तने में से वो नागदमनी नाम की जड़ी बूटी होती है। कहते हैं कि ये जड़ी बूटी जिसके पास है, सांप उसके इर्द गिर्द कभी नहीं आते, नाग या सांप, कौन सी औषधि, नागदमनी। अब वो तो आपके पास है नहीं, आपके पास तो नागदमनी है नहीं, तो अब कौन सी नागदमनी है, त्वन्नाम, हे भगवान आपके नाम रूपी नागदमनी के, नागदमनी हृदय, हृदय में यस्य जिसके, पुंसः पुरुष के, यस्य याने जिसके, पुरुष याने पुरुष के, यस्य पुंसः जिस पुरुष के हृदय, हृदय में पुंसः याने पुरुष के, यस्य पुंसः याने जिस पुरुष के हृदय याने हृदय में, तन्नाम नागदमनी आपके नाम रूपी नागदमनी औषधि है, आपकी नाम रूपी नागदमनी जिसके हृदय में है, जड़ी बूटी तो नहीं है कि, तो आपकी नाम ही क्या काम करती है, जड़ी बूटी का काम करती है भगवान का नाम, जड़ी बूटी का काम है ना। आप देखिए पूरा अर्थ लीजिए, हे भगवान फणिनम सर्प, सर्प के लिए क्या नाम आया है, नाग, फणिनम नाग, हे भगवान लिखो जिसकी आंखें लाल लाल हैं, पवा जो उन्मत्त, जो उन्मत्त कोकिल के समान काले रंग का है, काले रंग का है, अत्यंत क्रोधायमान है, अत्यंत क्रोधायमान है, और जिसने अपनी फणा को उठा लिया है, और जिसने अपनी फणा को उठा लिया है, ऐसे ऐसे नाग
अपने सामने आते हुए देखकर ऐसे नाग को अपने सामने आते हुए देखकर क्या कहा है मानकुंभ जी ने, क्या करता है वो, उस नाग को लांग जाता है। अभी रुको, लिखो मत। ऐसे नाग को सामने से आता हुए देखकर जिस भक्त के मन की, जिस भक्त के मन की सारी शंकाएं दूर हो चुकी है, किसकी श्रद्धा ऊंची होती है वो बात यहां बताई। निरस्त शंकस कैसा होना चाहिए, जिसकी सारी शंकाएं दूर हो चुकी हैं और जिसने अपने हृदय में आपके नाम रूपी नाग रमणी का स्मरण किया है, आपके नाम रूपी नाग रमणी, नाग रमणी के लिए ब्रैकेट में लिखो, एक प्रकार की जड़ी बूटी, आपकी नाम, आपके नाम रूपी नाग रमणी का स्मरण किया है, वह भक्त शांति और सहजता से, उस नाग को दोनों पैरों से लांग जाता है, उस नाग को दोनों पैरों से लांग जाता है। आपकी हिम्मत भी नहीं होगी पैर ऊपर करने की, हैं? यूं इमेजिन करो कि यही है वो सांप, यही है वो नाग खड़ा है, ऐसा सब ग्राउंड फ्लोर पे मिलेंगे। सोचो, आचार्य कह रहे हैं कि जिसके हृदय में आपके नाम रूपी नाग रमणी है वो निरस्त शंकस, उसकी सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं और वो दोनों पैरों से उस नाग को लांग कर चला जाता है। कितनी जबरदस्त श्रद्धा होगी भगवान के ऊपर, कितनी जबरदस्त श्रद्धा होगी आप सोच सकते हो। और तब तक आप अपने आप को मानो कि मेरी श्रद्धा कमजोर है, जब तक आप ऐसे नाग को लांग नहीं जाते हैं, ऐसे नाग को लांगने तक आपकी श्रद्धा कैसी है, कमजोर है, उस लेवल की श्रद्धा अभी भी नहीं है। आचार्य कहते हैं कि श्रद्धा का स्तर जब इतना हाई लेवल पे चला जाता है और एकदम अंधविश्वास हो जाता है भगवान पर कि भगवान है और कोई नहीं चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति नाग को भी लांग जाते हैं, ऐसा इसमें कहा है। एक विशाखहार नाम का स्तोत्र है, वो स्तोत्र रचा ही इसी बेस पर है, धनंजय कवि ने रचा है, किसने, और उनके काल की घटना है। धनंजय कवि प्रतिदिन सुबह भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाते थे और उस समय वो किसी की तरफ चुरटी नजरों से भी नहीं देखते थे। आप देखते वैसे ऐसे देखते, कौन आया कौन गया ऐसे देखते, वो चुरटी नजर से भी नहीं देखते थे जब भगवान की भक्ति में तल्लीन होते थे। आप भी ऐसे दिन का वेट करो, ऐसे दिन की प्रार्थना करो कि मैं भी भगवान की भक्ति में तल्लीन हूं और मुझे पता नहीं है कि कहां क्या हो रहा है, कौन आकर के चला गया है। धनंजय कवि कर रहे थे, उधर उनके छोटे से बेटे को बगीचे में नाग ने डस लिया और डसने के बाद वो चिल्लाने लगा तो उसकी माँ ने उसको लिया हाथ में और उसने सोचा अरे ये तो पूरा काला नीला पड़ गया है, और उसने दौड़ करके धनंजय कवि को कहा कि अजी उठो जी, उठो जी,
देखो उसको लाल डस गया है। धनंजय कवि ने ध्यान नहीं दिया, पत्नी को भयंकर गुस्सा आया, उसने अपने बच्चे को उठाया और धनंजय कवि के सामने लिटा दिया। बोले संभालो, इतनी तुम्हारी भक्ति है तो उतारो इसके इस विष को। धनंजय कवि ने आग भी नहीं खोली, पूरा स्तोत्र कहा, पूजा की और उसके बाद पानी लिया और भगवान के नाम का पानी उसके शरीर पे छिड़का। पानी क्या छिड़का, पूरा का पूरा जहर नीला नीला पसीना निकल गया। क्या निकल गया? एकदम नीले कलर का पसीना निकला और पूरा जहर पसीने के माध्यम से बाहर आ गया। इसे कहते हैं भक्ति। क्या कहते हैं? इसे भक्ति कहते हैं। ऐसा ही एक बार आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज के साथ गजपंता सिद्ध क्षेत्र पर हुआ है। ये सब आज की घटनाएं हैं, मतलब वर्तमान की घटनाएं। गजपंता में उनका चौमासा चल रहा था और ऊपर पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है बड़ी, पर्वत पे आचार्य श्री दर्शन करने गए और अपना हाथ चरण के ऊपर रखा और चरण स्पर्श कर ही रहे थे कि नाग हाथ के अंदर छुपा हुआ था और जैसे ही हाथ आया उस नाग ने डसा, पकड़ लिया उंगली को। आचार्य श्री ने जैसे ही देखा तो उन्होंने कहा, भैया अब तो छोड़ दे, तेरा काम हो गया है, अभी तो छोड़ दे। ऐसा हाथ पकड़ करके बोला कि छोड़ो। नाग ने छोड़ा और चला गया। आचार्य श्री नीचे आए, उस दिन का उपवास ले लिया और सबको कहा कि आप सब आहार को जाओ, मेरा आज उपवास है। और सीधे ध्यान में बैठ गए, सामाई में बैठ गए और ऐसा ध्यान किया भगवान का, ऐसा ध्यान किया कि पूरा नीला नीला पसीना बह करके बाहर आ गया, पूरा जहर ही निकल गया। ऐसे थे आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, परम तपस्वी। तपस्वियों को भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करनी है। संसार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गृहस्थ हो, श्रावक हो, मुनि हो, तपस्वी हो, शुद्धात्मा के आराधक जितने भी हैं, सबको आखिर किसकी शरण में आना है? जिनेंद्र भगवान की भक्ति के शरण में आना है। एक ही भाव सूत्र में यही बात लिखी है कि कितने भी शुद्ध ध्यान वाले हो किंतु फिर भी उन्हें यदि मुक्ति का कपाट खोलना है तो उसकी चाबी तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही है। शुद्धात्मा की साधना के पहले भक्ति की चाबी को साथ में लेकर जाना ही पड़ेगा। वंचिका कुंचिकेयम्, ये मुक्ति रूपी कपाट को खोलने वाली ऐसी कुंचिका है। कुंचिका यानी चाबी, ये चाबी है कि उस कबाड़ को खोलने का सामर्थ्य, उस ताले की चाबी भक्ति ही है। सभी के लिए भक्ति की ही शरण में आना पड़ता है। ऐसा मान तुंगाचार्य जी ने अपने इस महान भक्तावर काव्य के माध्यम से हमारे लिए संदेश दिया है। 41वां काव्य है, रीति है, ओम रिमरहम नमो खीर समीरम झम झम नमः। कहते हैं कि 41वां काव्य रिद्धि का बारंबार स्मरण करने से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है और विशेष इस मंत्र के झाड़ने से विषधर का विष उतर जाता है। कासे के पात्र में इस मंत्र से मंत्रित जल भर दो और उस जल को, मतलब कासे के पात्र में पानी लेकर ये मंत्र और इस काव्य की आराधना करो और वो पानी जिसको जहर चढ़ा है उसको पिला दो तो विष का प्रभाव दूर हो जाता है। ऐसा जो है इस काव्य में कहा। आज बोलिए महावीर भगवान की।